ये गिफ्ट है, शिवानी दी ने मेरे लिए मंगवाया है और मुझे कह रही है कि मैं ओपन करूं, पर मेरा मन नहीं कर रहा ओपन करने का, तो शिवानी दी खुद ही ओपन करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हमारा कहीं भी जाने का प्लान नहीं था, लेकिन अभी अभी मम्मा का कॉल आया था और वो कह रहे हैं कि किसी के घर में संगीत है तो वहाँ पे जाना है और मुझे भी लेके जा रहे हैं। मैं तो रेडी हो गई हूँ और अभी मैं मम्मा का वेट कर रही हूँ, वो भी जल्दी से आ जाएं और उसके बाद वो भी रेडी शेडी होंगे और फिर हमें निकलना है। मम्मा आ गए हैं और मैं बना रही हूँ चाय, इन सभी को चाय पिला लेती हूँ और उसके बाद हमें निकलना है। चाय आप करो, टी पार्टी, हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी बनी है। क्या? हाँ, उन्होंने आ जाना है वापस, भेजते हैं उनको। बाय बाय। अभी हम लोग निकल रहे हैं संगीत में, मम्मा भी आ गए हैं और मिलते हैं फिर उधर जाके। ये इतनी दौड़ क्यों लगाई है, हैं? इतनी दौड़ क्यों लगाई है? हाँ तो मैंने माँ कोई नहीं, माँ फिर जो आपने जाना होगा तो बता देना। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste. कहाँ पे RCM की दुकान? वो वाली। अच्छा तभी मामू बोल रहे थे इधर ही है कहीं, यही होगी फिर। Hold me close till I get up, time is barely on our side. हम लोग जा रहे हैं शादी वाले घर से अपनी नानी के घर में और मम्मा अभी अंदर बातचीत कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं, ये गाड़ी निकालने चले गए हैं। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. अभी हम लोग पहुंच गए हैं नानी के घर। चलो चलो आप आगे आगे। हेलो हेलो। इधर चल रहे है एरिया पलक दीदी सामने, ये यहाँ से पूरा बाजार दिखता मतलब। यार वैसे ना ये जगह ना मस्त है एकदम, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सारा दिख रहा है यहाँ से, मेरे को ऐसे फील आ रहा है जैसे वैष्णो देवी है। बट वो तो पूरी ऐसी मैं सब कुछ बता सकती हूँ, अंधेरे में इतना पता नहीं चलता। दोपहर को कैसे आऊँ? तो गाइस ये है हमारी पलक दीदी, मेरी ननंद। भाभी हूँ ना मैं आपकी। हाँ तो अभी मैं और दीदी लगा रहे हैं बाहर चक्कर, मम्मा और ये अंदर बैठे हैं नानी के पास, वो बातें कर रहे हैं तो मैं आ गई बाहर। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा हम मस्ती करते हैं। आप क्या सोने लगे हो? लेकिन अच्छा पढ़ाई भी करते हो? क्लासेस लग रही है? हाँ। डेली अटेंड करनी होती है? हाँ। यार आप हमारे घर में आया करो, मैं पता है अकेली होती हूँ, आ जाओ करो कभी कभी। सोचती तो हूँ पर लेकिन सोचती तो हूँ लेकिन मन नहीं करता है। हो जाएंगे ना ग्रेजुएशन, पेपर कब होंगे? नहीं मामी मैंने नहीं पीनी चाय। कौन सी क्लास में हो आप? 8th में हो। पेपर कब है? बोर्ड के। हाँ बोर्ड है नहीं मेरा। अच्छा अच्छा सीबीएसई का बोर्ड नहीं है ना। ओके तो गाइस ये 8th क्लास में है और वैसे पढ़ते कितना हो? पढ़ना तो पढ़ता ही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है ना। पढ़ने का मन करता है? करता तो नहीं है पर लेकिन करना पड़ता है। चलो क्या करना है, करना तो है, पढ़ाई किया करो। हाँ अब अभी आते रहते हैं? नहीं वो बहुत टाइम से आई नहीं अभी। मेरे को लास्ट टाइम पता कब दिखे थे? जब नानी ने यहाँ पे वो फंक्शन नहीं किया था उस दिन हम इसे रूम में मिले थे और उसके बाद मुझे आज दिन नहीं मिले वो मुझे। पहले ऊपर भी आते थे 2-3 बाद लेकिन अभी नहीं। मेरे साथ तो ना उनकी बात हुई है ना मेरे को मिले हैं वो। तो कल क्या बोले थे कि आपके घर में सांप निकला था? हाँ बहुत बड़ा वाला। ओ माय गॉड कहाँ पे निकला? डर नहीं लगा आपको? नहीं वो नीचे निकला था ना फिर ऊपर आ गया था शाम के टाइम पे। मेरे को तो सांप के नाम से भी डर लगता है तो मैं मेरे को कह रहे थे ये कि मैं हम आपको दिखाते हैं सांप निकला, इन्होंने फोन में फोटोज ली होगी वीडियो बनाई होगी
पर मैंने तो साफ मना कर दिया भी मैं नहीं देखूंगी, मेरे को उसके नाम से भी डर लगता है, तो एक बार देख लिया तो फिर मैं तो बाहर जाना तो दूर की बात है, मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगी। तो मैं तो दूर हूँ, मैं दूर हूँ इन सब चीजों से भी, मुझे बहुत डर लगता है। तो कह रहे थे कि मार देंगे, पर लेकिन नहीं, इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए, कभी भी नहीं। हमने नहीं नहीं कभी भी नहीं मारना, कभी भी नहीं मारना, इतना बड़ा पाप नहीं करना है। बाहर बैठते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमें निकलना भी है, तो कहीं सब बाहर ही जाते हैं हम, क्योंकि थोड़े टाइम तक निकलना पड़ेगा यहाँ से। इधर देखना, मुंह क्यों छुपा रहे हो अभी है? पता है ना, फोन ज्यादातर तो आपके पास ही होता है, होता है ना, ये ले गेम में ज्यादा ध्यान होता है इनका। फिर चलो आना फिर, ठीक है? हाँ, आना। बाय मामी, बाय बाय, आना। चलो फिर, चल चल। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ? साहिल भैया को भी लाना था। साहिल भैया को किसी और दिन भेजेंगे। बताओ क्या स्नेक? मेरे को डराना नहीं, मेरे को डर लगता है सच्ची। उसके पीछे जाके छुप गया, फिर मैंने यहाँ से उसको बंद किया, फिर उसको गिराया पापा ने। चलो आप चलो हमारे घर, चलो ठीक है। टॉर्च ऑन कर। चलो ठीक है नानी, ठीक है। दीदी क्या कर रहे हैं? जा खोल खोल, नहीं खुल नहीं रहा उससे, खोल देगा। जिमू आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ खुल गया और बंद हो गया। वैसे आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया सीधा। कहाँ से आया? हाँ हेलो, हेलो कर, हेलो कर जीबू, हेलो कर, हेलो हेलो। परेशान हो गया। हेलो वो भी मिलने आ रहा है, को नहीं दिया ये ले, इधर आ। ये गिफ्ट है, शिवानी दी ने मेरे लिए मंगवाया है, और मुझे कह रहे हैं कि मैं ओपन करूं, पर मेरा मन नहीं कर रहा ओपन करने का, तो शिवानी दी खुद ही ओपन करेंगे, तो करो ओपन। वैसे है क्या शिवानी दी इसमें? गिफ्ट है आपके लिए, गिफ्ट है मेरे लिए। आपको पता है क्या है? यार पता नहीं क्या है, पता चल जाएगा। दो सेकेंड, दो सेकेंड, दो सेकेंड। क्या है, क्या है, क्या है? थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। क्या? शैम्पू मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का सीरम, ये सीरम है, ये वो है कंडीशनर मैट्रिक्स का। पहले पहले ना मैंने ये यूज किया हुआ है, जो मैंने वो करवाई थी ना स्मूथनिंग, तो अभी नहीं। वैसे इसका शैम्पू बहुत अच्छा है, ये मैट्रिक्स का बहुत मस्त शैम्पू है। ऑप्टिक केयर, क्यों वो क्यों कर रहे हो? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। वैसे ना मेरा खत्म हो गया था, तो मुझे बहुत ज्यादा अभी जरूरत थी, तो थैंक यू शिवानी दी, थैंक यू, थैंक यू। गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, मम्मा और ये पीछे आ रहे हैं, वो बात कर रहे थे किसी से, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ आगे आगे, और आप आओ पीछे। और अभी सबसे पहले मैं करूँगी चेंज, बाकी देखते हैं सब कुछ बाद में, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, ऊपर से कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, इनको भी समेटना, लेकिन बाद में देखती हूँ। तो गाइस अभी मैंने कर लिया चेंज और मैं गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक, तो और शूट नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक शेयर, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।